दोस्तों आज कवर करेंगे जनरल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन से इनको देखेंगे। एक्सप्लेनेशन से दोस्तों आपको होगा ये कि एक ही क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए ब्राउन को, बी अरस्तु को, सी खुराना को, डी रिटर को। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन डी रिटर को। देखिए दोस्तों पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था दोस्तों रिटर ने, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। दोस्तों पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे जानवर अणुजीव शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ दोस्तों अंतर्क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब यही है कि मैं ऐसे वीडियो डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए, और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो है पारिस्थितिक तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, शब्दावली किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए फोर्ब्स, बी वेनाडस के, सी थिनेमन, डी टेंसले। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन डी टेंसले। देखिए दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली दी टेंसले ने। हम पारिस्थितिक तंत्र पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछले क्वेश्चन में, इन्होंने कुछ चीजें और ऐड की। दोस्तों टेंसले ने एक शब्द को परिष्कृत करते हुए यह वर्णन दिया, यह पूरी प्रणाली न केवल जीव परिसर है लेकिन वह सभी भौतिक कारकों का पूरा परिसर भी शामिल है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों हम जीके ट्रिक्स भी लेके आते हैं तो दोस्तों वो वीडियो भी पूरा देखा करें, उसमें हम पूरा टॉपिक कवर कराते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यह है पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए खरपतवार और सूक्ष्म जीव, बी जैविक और अजैविक, सी पौधे और प्रकाश, और डी है पौधे और जीव। 3 सेकंड आपके पास, राइट ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन बी जैविक और अजैविक। पारिस्थितिक तंत्र के दोस्तों दो मुख्य घटक है जैविक और अजैविक। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दो घटक हैं जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक दोस्तों होते हैं जंतु समुदाय, वनस्पति समुदाय, सूक्ष्म जीव और मनुष्य, 4। और अजैविक कारक में क्या क्या आते हैं दोस्तों? प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, ठीक है, मृदा और स्थलाकृति। तो दोस्तों ये हो गए आपके पूरा जैविक और अजैविक कारक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यह है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए बर्जिलियस, बी वोल्हर, सी कोलंबे, डी ब्रेथलोट। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन ए ब्रिजिलियस। देखिए दोस्तों जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ब्रिजिलियस ने, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं कुछ भी, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन ए कार्बन। देखिए दोस्तों कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व है। इस रासायनिक तत्व का संकेत सी है और परमाणु संख्या इसकी 6 है दोस्तों, और परमाणु भार की बात की जाए तो 12 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन के 3 प्राकृतिक संस्थानिक है यानी कि आइसोटोप है, C12, C13, C14। तो 3 प्राकृतिक संस्थानिक हो गए और दोस्तों इसका परमाणु भार है 12। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यह है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए उद्रोपातन, बी आसवन, सी वर्ण लेखन, डी निर्वात आसवन। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन ए उद्रपातन। देखिए दोस्तों कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? उद्रपातन। अब इसको पूरा देखेंगे दोस्तों, उद्रपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है
किसी तत्व द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी ठोस चीज है और सीधी गैस में बदल जाए, द्रव में ना बदले, तो दोस्तों उद्रपातन वो प्रक्रिया कहलाती है। और दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्वों की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, तो द्रव में नहीं बदलती है वो। जैसे आप कोई भी पदार्थ दोस्तों ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो दोस्तों वो प्रक्रिया उद्रपातन कहलाती है। चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भाप स्वर्ण, बी आंशिक स्वर्ण, सी निर्वात स्वर्ण, डी उद्रपातन। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन ए भाप स्वर्ण। तो दोस्तों एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? भाप स्वर्ण से किया जाता है। तो दोस्तों इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो है, रडार के आविष्कारक थे? ऑप्शन ए जे एच टेस्ले, बी जे बियर्ड, सी हॉपकिंस, डी टेलर एंड यंग। तो दोस्तों 3 सेकंड आपके पास, लगाइए अपना आंसर। ऑप्शन डी टेलर एंड यंग। तो दोस्तों रडार के आविष्कारक हो जाएंगे टेलर एंड यंग। तो दोस्तों यहां पर रडार के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो। रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे कि वायुयान, जलयान, मोटरगाड़ी आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि को दूर से ही पता लगा लिया जाता है। वायुयान कितनी दूर है, ऊंचाई क्या है, दिशा क्या है, ये उसको दूर से ही पता लगा लिया जाता है। इसके अलावा मौसम में तेजी से आ रहे परिवर्तनों का भी पता चल जाता है। तो दोनों एप्लीकेशन इसकी देख ली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? ऑप्शन है सौर सेल, बी थर्मल सेल, सी सल्फर सेल और डी है मोलर सेल। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन ए सौर सेल। तो देखिए प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं दोस्तों सौर सेल। अब इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी? ऑप्शन ए हवाई जहाज की, बी टेलीफोन की, सी सेफ्टी लैंप की, डी डायनामाइट की। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन डी डायनामाइट की। तो अल्फ्रेड नोबल ने दोस्तों किसकी खोज की थी? डायनामाइट की गई थी। अब देखेंगे दोस्तों नोबल पुरस्कार कब दिया गया, किसके नाम पर दिया जाता है, कैसे है, क्या कुछ है। अल्फ्रेड नोबल दोस्तों स्वीडन के निवासी थे, रसायन वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था। विश्व प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई। दोस्तों 1901 के बाद नोबल पुरस्कार दिए जाने लगे थे, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा ये 5 फील्ड में दिए जाते हैं। दोस्तों वो एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूं पहले दोस्तों वीडियो में, तो वो वीडियो देख लेना। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने का मतलब यही है कि मैं ऐसी वीडियो डालूं वो आपको मिल जाए, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।